एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों को 12-12 सीटों पर जीत मिली है। चिराग पासवान की पार्टी ने सभी 5 सीटों पर और मांझी ने अपनी 1 सीट पर जीत दर्ज की। कुल 30 सीटें मिली हैं, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीट मिली थी, इस बार 30 सीट मिली है। इंडिया गठबंधन को 9 सीटें और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत हासिल हुई। 1 सीट पर निर्दलीय पप्पू यादव ने जीत हासिल की। कुल मिलाकर देखें तो इस बार इंडिया गठबंधन का रिकॉर्ड अच्छा रहा। वहीं एनडीए अपने लक्ष्य से काफी पीछे रहा। पिछली बार एनडीए को 39 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 30 पर ही संतोष करना पड़ा। बिहार में एनडीए के घटक दल 40 सीटों में से बीजेपी 17 सीटों पर, जदयू 16 सीटों पर, लोजपा रामविलास 5 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट और जीतन राम मांझी की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी ने 17 सीटों में 12 सीट पर जीत हासिल की। बिहार की 40 सीटों में इंडिया गठबंधन ने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया था, उसमें आरजेडी की 23, कांग्रेस 9, वामपंथी दल 5 और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने 3 सीट पर चुनाव लड़ी थी। 2024 के चुनाव में राजद ने बिहार की 4 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस 3 सीटों पर जीत हासिल की। पूर्णिया की सीट पर निर्दलीय पप्पू यादव ने जीत हासिल की। 2019 की तुलना इंडिया गठबंधन को 8 सीटों का फायदा हुआ है। बिहार में जमीनी हकीकत भापने में चुकी भाजपा, नीतीश ना होते तो बुरे परिणाम होते, इसका दावा भी किया जा रहा है। औरंगाबाद की बात करें तो बीजेपी के सुशील सिंह को हराकर आरजेडी के अभय कुशवाहा ने जीत हासिल की। अभय कुशवाहा को कुल मत 4,65,567 पड़े। गया से आरजेडी के कुमार सर्वजीत को जीतन राम मांझी ने हराकर जीत हासिल की। कुल 4,94,960 वोट मिले। नवादा से आरजेडी के श्रवण कुशवाहा को बीजेपी के विवेक ठाकुर ने हराया। विवेक ठाकुर ने कुल 4,10,608 वोटों से जीत हासिल की। जमुई में 5,09,040 वोट से एलजेपी से अरुण भारती ने जीत दर्ज की। तो वहीं राजद की अर्चना रविदास को हराकर हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर किशनगंज की बात करें तो किशनगंज से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद को मिली जीत। कुल 4,02,850 वोट पर। कटिहार में बात करें तो कटिहार में कांग्रेस तारिक अनवर को जीत मिली है। वहीं पर इनको कुल जो मत मिला है वो 5,67,092 वोट पर है। वहीं पर जदयू के दुलार चंद्र गोस्वामी को मिली हार। पूर्णिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को मिली जीत। कुल 5,67,556 मतदान पड़े हैं। वहीं भागलपुर से जदयू के अजय मंडल को मिली जीत। कुल 5,36,031 वोट पड़े हैं। वहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी अर्जित शर्मा को मिली हार। बांका से जदयू के गिरधारी यादव की हुई जीत। झंझारपुर में जदयू के रामप्रीत मंडल को मिली जीत। वहीं वीआईपी के सुमन कुमार महासेठ को मिली हार। कुल मतदान जो यहां पड़े हैं वो है 5,33,032 वोटों से जीते हैं। वहीं पर बताएं आपको रामप्रीत मंडल, सुपौल की बात कर लेते हैं। सुपौल में जदयू के दिलेश्वर कमांत की हुई जीत। अररिया में बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह को मिली जीत। वहीं मध्यपुरा से जदयू के दिनेश चंद्र यादव की हुई जीत। खगड़िया में एलजेपी आर के राजेश वर्मा को जीत मिली। वो 5,38,657 वोटों से जीते हैं। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर को मिली जीत। उजियारपुर में बीजेपी के नित्यानंद राय को मिली जीत। कुल 5,15,965 वोट से जीते। समस्तीपुर के शांभवी चौधरी को यहां पर भी 5,79,780 वोट से वो जीत दर्ज की है। शांभवी चौधरी सबसे कम उम्र की सांसद बनने जा रही है। वहीं कांग्रेस से सनी हजारी को मिली हार।
बेगूसराय से बीजेपी के गिरिराज सिंह को 6,49,371 वोट मिले हैं, वो जीत दर्ज किए हैं। मुंगेर की बात कर ले तो मुंगेर से जदयू के ललन सिंह को 5,50,146 वोटों से जीत मिली है। वहीं पर बताएं आपको आरजेडी के अनीता देवी महतो को भी मिली हार यहां पर देखा गया है। सीतामढ़ी से दिवेश चंद्र ठाकुर को मिली जीत। वहीं मधुबनी से बात करें तो मधुबनी से बीजेपी के अशोक कुमार यादव को मिली जीत। मुजफ्फरपुर से बीजेपी के राजभूषण निषाद को 6,19,749 वोटों से जीत मिली है। वहीं अजय निषाद कांग्रेस को मिली यहां से हार। सारण से बात करें तो बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को हराकर जीत हासिल की है। हाजीपुर से चिराग पासवान को मिली जीत। कुल यहां पर 6,15,718 वोट उनको मिले हैं। वहीं पर आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर से जदयू के सुनील कुमार की हुई जीत। पश्चिम चंपारण की बात करें तो पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जसवाल ने कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को हरा कर जीते हैं। पूर्वी चंपारण से बीजेपी के राधा मोहन सिंह ने जीत हासिल की है, जीत दर्ज किए हैं। शिवहर से लवली आनंद की हुई जीत। तो वहीं वैशाली से वीणा देवी ने आरजेडी के मुन्ना शुक्ला को हरा दिया है। बताएं आपको वीणा देवी को कुल 5,67,043 वोट पड़े हैं। तो वहीं पर गोपालगंज से जदयू के आलोक सुमन को यहां से जीत मिली है। सिवान से जदयू के विजय लक्ष्मी कुशवाहा की जीत हुई है। महाराजगंज से बीजेपी के जनार्दन सिंह श्रीग्रीवाल की जीत हुई है। नालंदा से जदयू के कौशलेंद्र जीते। तो वहीं पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को 5,88,270 वोट मिले हैं, वहां से जीत दर्ज किए हैं। वहीं पर बता दें पाटलिपुत्र से आरजेडी की मिशा भारती जीती है। कुल यहां पर उनको 6,13,283 वोट पड़े हैं। वहीं पर आपको बताते चलते हैं कि आरा से सुदामा प्रसाद की हुई जीत। बक्सर से आरजेडी के सुधाकर सिंह की जीत हुई है। वहीं सासाराम से कांग्रेस के मनोज कुमार की जीत हुई। तो वहीं काराकाट से जो कि सबसे हॉट सीट रहा है, वहीं पर काराकाट से राजा राम सिंह की जीत हुई है। तो जहानाबाद से आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद की जीत हुई है। हालांकि देखा जाए कि बिहार की 40 सीटों पर काफी तगड़ा मुकाबला देखा गया है। क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में चुनावी हलचल जो समाप्त हुई है उसके बाद राजनीतिक पहलू पर किस तरीके से चर्चाएं होने वाली है, कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।